वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे वो मशहूर खलनायक और बहुत ही अच्छे इंसान अमजद खान जी के बारे में। सभी इनको जानते हैं, बच्चे से बूढ़े तक। इनकी जो अदाकारी, इनकी नेगेटिव रोल के लिए ये काफ़ी मशहूर थे और हर रोल में ये जान डाल देते थे। तो आइए, इनकी जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही और पारिवारिक जीवन कैसा रहा, उन सब के बारे में कुछ सुनी और अनसुनी कहानी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में। तो इनका जो वास्तविक नाम है दोस्तों, वो है अमजद जकारिया खान। ये अभिनेता रहे और निर्देशक भी रहे। इनको गब्बर के लिए भी लोग जानते हैं, क्योंकि ये शोले में गब्बर सिंह का रोल किया था, तो इनको सभी लोग गब्बर भी बोलते थे। इनके जन्म की तारीख है दोस्तों 12 नवंबर 1940, और जन्म स्थान है इनका पेशावर, इंडिया, अब पाकिस्तान में है। उस समय ये आज़ादी से पहले ये इंडिया में हुआ करता था, अब डिवाइड के बाद पाकिस्तान इनकी जन्मभूमि है। और 12 नवंबर 1940 को, और इनकी जो डेथ हुई है दोस्तों वो 27 जुलाई 1992 को, और मौत का जो कारण रहा है वो दिल का दौरा, एक गंभीर यातायात दुर्घटना के बाद इनकी मृत्यु हो गई मुंबई में ही। और दोस्तों, इनकी जो एजुकेशन हुई वो हुई है सेंट एंड्रयूज सेकेंडरी स्कूल बांद्रा मुंबई में, और इनके साथ जो पढ़ाई की आगे की वो आरडी नेशनल कॉलेज मुंबई में। और इनकी जो शैक्षिक योग्यता है दोस्तों, वो दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री इन्होंने ली है। और प्रथम जो इनकी डेब्यू थी बाल कलाकार के रूप में, वो फिल्म थी 1951 की नाजनीन। उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान की कसम 1973 और सहायक निर्देशक के रूप में लव एंड गॉड 1963 में निर्मित, 1986 में रिलीज हुई। निर्देशक के रूप में ये चोर पुलिस, उसके बाद कितने आदमी थे, अब तेरा क्या होगा कालिया, होली कब है, इस तरह से इनकी जो है सो डायलॉग्स भी हुआ करते थे। और वो जो डर गया समझो मर गया, इस तरह से, और ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, इस तरह से शोले में इनके जो हैं कुछ प्रसिद्ध डायलॉग भी रह चुके हैं। इनके पिता का नाम दोस्तों जयंत उर्फ जकारिया खान, जो कि अभिनेता थे, माता कमरी, भाई बंधु जो इनके रहे हैं वो इम्तियाज खान, इनायत खान, बहन इनकी कोई नहीं है, ये तीन भाई ही थे। और इनका धर्म दोस्तों इस्लाम था, और इनके जो शौक है वो गाड़ी चलाना, संगीत सुनना और बैडमिंटन खेलना। पसंदीदा संगीतकार इनके रह चुके हैं आर डी बर्मन, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, अभिनेत्री मधुबाला, अभिनेता गायक आर डी बर्मन, किशोर कुमार, और ये विवाहित रहे। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है शेहला खान, और 17 अगस्त 1972 को इनकी शादी हुई, और 1992 में 27 जुलाई 1992 में ये अलग हुए। शादी की तारीख इनकी रही 17 अगस्त 1972, और इनके बेटे जो हैं उनमें शादाब खान, सीमाव खान और अहलम खान, इस तरह से इनके तीन बच्चे हैं दोस्तों। और इनकी जो परवरिश हुई है बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी फैमिली में इनकी परवरिश हुई है दोस्तों। महान अभिनेता अमजद खान के बेटे का जन्म जयंत के बेटे का जन्म यानी अमजद खान का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। उनका परिवार अफगानी पश्तून वंश का था। सिनेमा में आने से पहले अमजद खान एक स्टेज एक्टर रह चुके। जब वो केवल 11 वर्ष के थे तब वो नाजनीन 1951 की फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उसके बाद अमजद खान ने कुछ फिल्मों में जैसे पिता जयंत के साथ छोटी भूमिकाओं में भी अभिनय किया। विश्वविद्यालय में पढ़ते समय अमजद खान संघ के महासचिव बने थे। 1972 में उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त शेहला से शादी की। एक शादी जो लगभग कभी नहीं हुई,
क्योंकि शेहला के पिता अख्तर उल ईमान एक प्रमुख लेखक चाहते थे कि वह पढ़ाई जारी रखे। 1975 में उन्हें फिल्म शोले में गब्बर की भूमिका की पेशकश की गई थी। शुरुआत में जावेद अख्तर ने उनकी सांवली आवाज़ की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि सलीम, जो उनके पटकथा लेखक में से एक थे, वे अपनी भूमिका पर जोर दिया और बाद में गब्बर सिंह की भूमिका अमजद भाई ने निभाई। अमजद खान को गब्बर सिंह की भूमिका की पेशकश की गई थी जब वो केवल 35 ईयर्स के थे। उन्होंने शोले को उसी दिन साइन किया था जिस दिन उनके पहले बेटे सादाब का जन्म हुआ, यानी 20 सितंबर 1973 को। गब्बर की भूमिका में आने के लिए अमजद खान ने तरुण कुमार यानी जया भादुरी के पिता द्वारा लिखित चंबल डकैतों के बारे में एक किताब अभिशप्त चंबल को पढ़ा। शोले की रिलीज के बाद अमजद खान स्टार्डम की ओर बढ़ गए। गब्बर सिंह के उनके चित्रण को भारतीय सिनेमा में शुद्ध बुराई का पहला चित्रण माना जाता है। उसके बाद संवाद और तौर तरीके बॉलीवुड लेक्सिकॉन का एक अभिन्न अंग बन गया और कई स्किट और स्किट को जन्म दिया। इस तरह शोले बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और अमजद खान यानी गब्बर सिंह भी हिट रहे। उन्होंने संजीव कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन सहित कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन अमजद खान ने अपने अजीबोगरीब और अपरंपरागत संवाद से शो को चुरा लिया। अमजद खान शोले के उप निदेशक भी रहे, उनकी दूसरी यूनिट के प्रभारी भी थे। आज भी उनके तौर तरीकों और डायलॉग डिलीवरी को बड़े लोग चाव से याद करते हैं। शोले की सफलता के बाद अमजद खान ने 1970 के दशक के शुरुआत में कई हिंदी फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म शतरंज के खिलाड़ी 1977 के लिए एक गाना भी डब किया था। उन्होंने फिल्म में अवध के नवाब वाजिद अली शाह की अपरंपरागत भूमिका भी निभाई। नकारात्मक भूमिकाएं निभाने के अलावा उन्होंने याराना, लावारिस आदि फिल्मों में पॉजिटिव रोल में भी दिखाई दिए। 1988 में उन्होंने अंग्रेजी मर्चेंट आइवरी फिल्म द परफेक्ट मर्डर में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका निभाई। उन्होंने लव स्टोरी, कुर्बानी, चमेली की शादी आदि कई फिल्मों में हास्य भूमिका निभाया। उन्होंने 1991 की फिल्म रामगढ़ के शोले गब्बर सिंह के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जो कि महान फिल्म पैरोडी थी। अमजद खान ने स्क्रीन स्कर्ट्स गिल्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। अमजद खान शराब पीते थे और आर डी बर्मन उनके दोस्त अक्सर विस्की की बोतल लेकर उनके घर आते थे। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान कभी भी अपना आपा नहीं खोया, ना अपनी आवाज़ उठाई। वो जानवरों के साथ बहुत दयालु और स्नेही व्यवहार रखते थे। उनके पास पालतू जानवर के रूप में 2 कुत्ते भी रखे हुए थे। अमजद खान ब्रिटानिया ग्लूकोज बिस्किट के विज्ञापन में भी दिखाई दिए। 1976 में द बिग गैम्बलर की शूटिंग के दौरान अमजद मुंबई गोवा राजमार्ग पर एक गंभीर दुर्घटना में घायल हो गए। उनका फेफड़ा जो है वो पंक्चर हो गया, पसलियां टूट गई। चोटों के कारण वो कोमा में चले गए। सौभाग्य से वो जल्दी ठीक हो गए। ऑपरेशन के दौरान उन्हें जो दवाई दी गई थी उनके कारण उनका वजन काफ़ी बढ़ गया, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती गई। अमजद खान का वजन बढ़ने के परिणाम स्वरूप 27 जुलाई 1992 को 51 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, उनके बेटे भी आए थे पिक्चर में और लेकिन वो उतने हिट नहीं हो पाए। 1-2 फिल्म करके, जैसे मेहंदी वगैरह फिल्म आई थी रानी मुखर्जी के साथ, तो उतना वो चले नहीं। और बाकी उनकी जो पर्सनल लाइफ रही बहुत अच्छी रही और फिल्मी करियर भी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सक्सेस रहे। मैंने उनके घर बंगला भी दिखाया है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।